नमस्कार, मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए, अगला टॉपिक हम आपके साथ लेके आ रहे हैं, फर्माबंदी। ठीक है, जिसको फॉर्म वर्क भी बोलते हैं हम लोग। तो फर्माबंदी इसलिए थोड़ा जल्दी ले लिया क्योंकि इसके पहले जो दोनों बेसिक टॉपिक हुए हैं हमारे, तो उसमें मिक्सिंग, प्लेसिंग और सारी चीज़ें हो चुकी हैं, थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया है। तो फर्माबंदी में मैंने सोचा कि इसको ले लेते हैं। कई बार सवाल पूछा गया है इसमें, SSC JEE में और UP SSC में भी शायद पूछा गया है एक बार, और UT JEE में पूछा गया है, MP JEE में पूछा गया है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। हमने कहा एक बार पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके जो है हम आते हैं कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जितने कंपोनेंट हैं, जैसे सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है, इनके ऊपर क्रमशः एक एक करके पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद और भी सारी चीज़ें उसमें भी बाकी हैं तो उसको करना है। तो पहले आइए फर्माबंदी पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि फर्माबंदी आप प्लेसिंग करने ले जाते हैं जब सीमेंट को, कंक्रीट को, कहीं भी, चाहे बीम के उद्देश्य से, चाहे कॉलम के उद्देश्य से, या और अन्य कहीं भी जगह, चाहे स्लैब बनाते हों, तो वहाँ पर आपकी फर्माबंदी का सबसे बड़ा रोल होता है। तो उसी के लिए हमने कहा पहले फर्माबंदी पे ही बात हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए फर्माबंदी, फर्माबंदी फॉर्मवर्क से बोलते हैं इंग्लिश में। और फर्माबंदी में दो बातें होती हैं, पहली बात होती है तख्ताबंदी, दूसरी बात होती है ढूला। तख्ताबंदी को हम लोग कहते हैं शटरिंग। शटरिंग आप लोग जनरली जानते ही हैं, शटरिंग मतलब एक तरह से जिस पे, मतलब जिसके टच में डायरेक्ट हमारी कंक्रीट रहती है वो क्या हो गई, शटरिंग हो गई। और ढूला क्या है, एक तरह से जो सपोर्ट हम लोग देते हैं, चाहे वो बल्लियों से दें, चाहे जिस चीज़ से दें, वो जो हम सपोर्ट देते हैं वो शटरिंग या तख्ताबंदी रोकने के लिए, वही है हमारा ढूला। ठीक है, तो दो बातें होती हैं। आइए अब दोनों इन बातों को समझने के बाद हम देखते हैं कि फर्माबंदी की लागत कितनी आती है। तो पूरे संरचना की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक एक करके हम बता दे रहे हैं, इसके बाद हम आते हैं मेन टॉपिक पे आपके साथ। पूरे संरचना की लागत का 25-30% व्यय होता हमारा किसके ऊपर, फर्माबंदी के ऊपर। ठीक है, फर्माबंदी और ढूलाबंदी, ढूला जो भी हम लगाते हैं, सपोर्ट जो लगाते हैं आपके उसमें फर्मा में, तो इस पर कितना व्यय होता है, 25-30% पूरी संरचना का। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की हमारी संरचना है, ये मान के चलिए 25-30 लाख रुपए पूरा किसमें जाएगा, पूरा इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाएगा फर्माबंदी में। इसके बाद बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट और बातें हैं, छत स्लैबों के लिए, जो हमारी छत हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए छत हमने बनाया, तो छत जब स्लैब बनाते हैं तो ये हमारा मान लीजिए एरिया है पूरा, इस एरिया में हमने जो है, हमको जो है करना है क्या, फर्माबंदी, हमने फर्माबंदी कर दिया, फिर इस पे देंगे हम लोग टेक या सपोर्ट देंगे, तो इस पे क्या होगा, तो जो हम जो प्लेटें बनाते हैं इसके लिए, स्लैब के लिए, सपोर्ट देने के लिए, फर्मा जो बनाते हैं, उसकी जो है उसका एरिया कितना होता है, 0.5 × 0.5 × 0.5 m². अच्छा, वो जो है हम लोग जो प्लेट बनाते हैं, ये तो उसकी एरिया हो गई। अब वो प्लेट की थिकनेस कितनी होती है, वो प्लेट की थिकनेस जो है 16 से 24 गेज की होती है, या mm में उसको कह सकते हैं, 1.66 mm से 2 mm तक, 1.66 mm से 2 mm तक। तो इसके बाद अगला पॉइंट आता है, लोहे की फर्माबंदी 50 बार आप यूज कर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप हमेशा जब भी यूज करें तो लोहे की फर्माबंदी यूज करें, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लकड़ी की फर्माबंदी सस्ता तो ज़रूर है पर उतना अच्छा नहीं माना जाता है, उसको ज़्यादा बार यूज भी नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि उसमें जो है, मान लीजिए लकड़ी अच्छी प्रकार की नहीं है, तो वो जो आप कंक्रीट में आपके पानी रहेगा, वाटर रहेगा, कंक्रीटिंग ताज़ा जब ग्रीन कंक्रीट रहती है हमारी, तो वो पानी को ऑब्जर्व भी कर सकती है, सोख भी सकती है, तो वो हमारे लिए जो है नुकसान की बात, हमारी कंक्रीट के लिए। तो लोहे की फर्माबंदी 50 बार प्रयोग कर सकते हैं, जबकि लकड़ी की फर्माबंदी 4 से 5 ही बार प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। बीम में, बीम मान लीजिए आप बना रहे हैं, मान लीजिए हमारी बीम है, तो ये बीम में, पूरे बीम में 1 से 1.2 m की दूरी पर टेके लगाएं। मान लीजिए हमारी बीम है तो इसमें 1 से 1.2 m की डिस्टेंस पर टेके लगाते चले जाएं,
पहले तो आप फर्मा लगाएंगे, फिर आप ढूला या टेके लगाएंगे। तो वो दूरी दिया है, एक आग बार ये पूछा भी शायद गया है कि बीम में जो हम लोग टेके लगाते हैं, सपोर्ट लगाते हैं, बल्लियाँ लगाते हैं, तो उसकी डिस्टेंस एक दूसरे से कितनी दूरी पर होना चाहिए, वो 1 से 1.2 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। फिर इसके बाद बात आती है फर्माबंदी के समय टेम्परेचर का एक स्टैंडर्ड जो माना गया है वो कितना होना चाहिए। फर्माबंदी के समय एक टेम्परेचर का जो हमारा स्टैंडर्ड माना गया है 15 डिग्री सेल्सियस से कम ताप ना हो, तब हम फर्माबंदी अपना कर लेंगे। अच्छा, फिर एक और बात आती है, इम्पॉर्टेंट बात है, 28 दिन तक बाहरी भार ना आए संरचना पर। ये क्या कह रहा है, इसमें कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपने फर्माबंदी की है और तराई उराई कर रहे हैं आप बराबर मात्रा में, तो आप हमेशा ये ध्यान दीजिए कि जो भी आपने फर्माबंदी किया है उसमें 28 दिन के पहले कोई ऐसा बाहरी भार ना आए, या जहाँ पे आपने मान ली स्लैब ढाली हुई है, अब स्लैब पे ये नहीं कि ले जा काफ़ी वजन ईंट ऊंट रख दे, ईंट रख दिया, सीमेंट रख दिया, या कोई भी ऐसा लोड रख दें जिससे हमारी जो है नया नया कंस्ट्रक्शन है उसको नुकसान कोई पहुंचे, तो ऐसा नहीं करना। ये 28 दिन के बाद ही आप रख सकते हैं जो भी हमारा लोड है उसके ऊपर, नए नए जो भी कंस्ट्रक्शन आपने किया है। अच्छा, एक बात और बात है, जो टेक लगाते हैं हम, जो ढूला लगाते हैं, बल्ली लगाते हैं, उसमें क्या करना है, जो अगर नट टेके कहीं ज़रूरत है, मान लीजिए सपोर्ट करना है हमको, नट टेके लगाना है, इंक्लाइंड लगानी है सपोर्ट है हमको, ठीक है, नट सपोर्ट जनरली जो है मान लीजिए अगर आरसीसी की वाल बना रहे हैं तो उसमें नट सपोर्ट वगैरह भी लगता रहता है। अच्छा, स्लैब में भी लग जाता है कई बार, जो है ज़्यादा लोड है अगर स्लैब में तो नट सपोर्ट कहीं कहीं हम लोग लगा देते हैं, तो ये जो ज़्यादातर आपको देखना है अगर स्लैब में लगा रहे हैं नट सपोर्ट, तो उस जगह पर 30 डिग्री से 75 डिग्री के कोण पर होना चाहिए नट सपोर्ट, मतलब इंक्लाइंड जो टेके होंगी हमारी। अगला पॉइंट आइए, फर्माबंदी के समय भीतर सतह पर स्नेहक लगाएं। देखिए, स्नेहक लगाना इसलिए ज़रूरी है कि मान लीजिए आप ताज़ा ताज़ा कंक्रीटिंग करते हैं तो उस समय वो चपक, मतलब हमारा जो फर्मा है वो कंक्रीट से चिपके ना, इसके लिए आप लोग कुछ ना कुछ जो स्नेहक लगा दीजिए। स्नेहक में जैसे मोबिल वाला आता है, और ऐसे किताब में तो आपके हिंदी के दिया अलसी का तेल, अलसी का तेल इतना सस्ता नहीं कि वहाँ हम लोग लगा सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो हाँ, स्नेहक आप लगाइए, वो आपको क्या लगाना है, मार्केट में तमाम प्रकार के स्नेहक उपलब्ध हैं, वो आप लगा सकते हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं, शीघ्र कठोरी सीमेंट के लिए समय को अच्छा, ये सब कुछ हमारे पास कुछ डाटा जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, मान लीजिए जो डाटा है हमारा कि 16 घंटे लगाना है, कहीं 7 दिन लगाना है, कहीं 14 दिन लगाना है, तीन सब का डाटा जो है उसमें पहले हम डाटा पढ़ लेते हैं, फिर दो बिंदुओं को अलग से हम बाद में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, इसमें दिया है इस्पात की फर्माबंदी हटाने की न्यूनतम अवधि। बात पे ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो बुक में दिया है हिंदी की या कोड में ही दिया है 456 में सन 2000 में, कोड में कहता है कि इस्पात की फर्माबंदी के ऊपर बात हुई है, कभी भी आप कन्फ्यूज मत होइएगा, वो जो हमारे पास जो समय दिया है हमारी बुकों में वो लकड़ी की फर्माबंदी के बारे में नहीं बता रहा, वो इस्पात की फर्माबंदी की बात की गई है उसमें। तो ये IS कोड नंबर दिया है 456 सन 2000 में, कुछ डाटा दिया है, इससे बार बार सवाल पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से खूब बढ़िया से कई बार पढ़ें और समझें। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए कि आज आपसे कई बार मैं कह चुका हूँ पेज और एक पेन लेके बैठने के लिए, तो आप लोग बैठे हुए हैं कि नहीं, जरूर लेके बैठिए, आपको जरूर इससे फायदा होगा, नोट करते रहिए। चलिए आइए बात करते हैं अवयव का प्रकार, मतलब ऐसा कौन सा घटक है जिस पे हम फर्माबंदी किए हुए हैं, वो बीम है, कॉलम है, स्लैब है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अवधि, समय एक तरफ दिया हुआ है, बता रहा है कि ये समय लगेंगे, अब एक तरफ अवयव का मतलब कंपोनेंट, बिल्डिंग कंपोनेंट जो भी हमारे घटक हैं बिल्डिंग्स के, उनके ऊपर बात की गई है। तो पहली बात जो हम इसमें बताया गया है, इसमें कहता है कंक्रीट की दीवार हो, वाल हो, स्तंभ हो मतलब कॉलम हो, इसके बाद धरन हो, तो उस केस में तीनों चीज़ें हो, लेकिन जो अगर ऊर्ध्वाधर खड़ा तख्तीबंदी करते हैं उसमें जो है इन तीनों केसों में धरन, कंक्रीट की दीवार हो, स्तंभ हो व धरन की ऊर्ध्वाधर खड़ी तख्ताबंदी के लिए 16 से 24 घंटे लगना है। अच्छा, इसके बाद बात आती है, इसके बाद जो है बात आती है स्लैब की, जो हम खड़ी तख्ताबंदी का मतलब समझ गए आप लोग, जो भी तख्ताबंदी है मतलब इस डायरेक्शन में है, खड़ी है, मान लीजिए हमारा कॉलम है तो इसके साइड में हमने क्या किया हुआ, तख्ताबंदी किया हुआ, तो ये 16 से 24 घंटे में आप आराम से निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ थोड़ा सा देखिए आप लोग,
दिख रहा होगा। तो अगर यार इधर देख लीजिए, आप लोगों को बता देते हैं। मान लीजिए ये हमारा जो है कॉलम का पूरा जो है एरिया है, तो इसमें इतने में हमको कंक्रीट डालनी, बगल बगल हम क्या किए हुए हैं तख्ताबंदी, तो इसमें आपने मान लीजिए मटेरियल डाल दिया, कंक्रीट डाल दिया, तो ये पूरा जो है एरिया में आपने कंक्रीट फिल कर दिया, तो ये तख्ताबंदी आप अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, खड़ी डायरेक्शन में है, तो इन सब केसों में चाहे वो कंक्रीट की दीवार हो, चाहे स्तंभ हो, चाहे धरन हो, तो उन सब, ये तो कॉलम के लिए आपसे बता दिया, इस तरह दीवार के लिए भी हो सकता है, स्लैब के लिए, वो वर्टिकल डायरेक्शन में आपका फर्मा लगा हो तो उसको आप 16 से 24 घंटे में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात आती है स्लैब की तली के पटरे। मान लीजिए ये हमने स्लैब बनाया हुआ है, ठीक है, तो इस स्लैब में नीचे एक तली के पटरे, भाई तली देंगे, फर्मा लगाएंगे, इसके बाद टेके लगाएंगे, तो इस केस में आपको क्या करना है, स्लैब की जो तली के पटरे हैं उसको आप कब तक हटा देंगे, स्लैब की तली के पटरे 3 दिन में आप हटा दीजिए, पर ध्यान ये देना है कि टेके यथा, मान लीजिए यहाँ पे टेके लगाए थे हम, यहाँ लगाए, कई जगह टेके लगी हुए, पटरा तो आपने हटा दिया, लेकिन ध्यान ये देना है कि टेके पुनः उसी स्थान पे लगाना है जहाँ वो टेके थी, क्योंकि भाई अभी कंक्रीट पक चुकी है लेकिन अभी लोड नहीं ले सकती है, तो इसलिए ध्यान दें कि यह स्लैब में कोई जो है टेंशन ना हो जाए, कोई बकलें, कंप्रेशन, कुछ मतलब इस तरह की घटना ना घटे, क्रैक्स न डेवलप, मेन क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं स्लैब में, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारा, तो ये सब बातें हैं। तो स्लैब बकल भी कई बकलिंग आप स्लैब की कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, उसको ध्यान देना है। तो आप टेके पुनः वहाँ लगा दें, ये घटना कितने दिन में, 3 दिन तक जो है आप जो स्लैब के पटरे हटा सकते हैं, लेकिन टेके पुनः लगाएं। फिर बात आती धरन की तली के पटरे। धरन की तली मान लीजिए है, तो धरन की तली के मान लीजिए हमने पटरे लगाए हुए हैं, यही मान लीजिए सपोज करिए अब इस समय ये धरन है, मान लीजिए ये पटरा लगा हुआ, इसके ऊपर मान लीजिए एक धरन बनी हुई, तो इस पटरे को आपको नीचे वाला तली का, समझ रहे हैं नहीं, तो ये हमारी मान लीजिए धरन है, इसके तली ये वाला पटरा जो है धरन इसके ऊपर बनी हुई है पूरा, तो इसमें जो है तली के पटरे आप कब तक निकालिए, 7 दिन में आप निकाल दीजिए, पर टेके पुनः वहीं पे लगाएं, तो टेक जरूर लगाना उसी जगह पे, बार बार ये कह रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद जो बात आती है स्लैब की टेके हटाना, स्लैब की, अच्छा पहले उन्होंने बताया था कि स्लैब की तली के पटरे तो 3 दिन में हटा दिए थे, लेकिन टेक लगा दिए थे, तो स्लैब की टेके पहली बार जो है तली के पहली बार इन्होंने पटरा हटवाया है, फिर दूसरी बार ये क्या करें, टेक कब हटेगी, अगर 4.5 मीटर के पार्ट तक की हमारी जो है स्लैब है, तो पार्ट मतलब वही स्पान, इतना तक है, 4.5 मीटर तक का है, तो 7 दिन में आप हटा सकते हैं। टेक कब तक हटाया था, 3 ही दिन में, पर देखिए जो पटरा कब हटाया था, 3 दिन में हट गया था, लेकिन टेक 7 दिन में हट रहा है, अगर 4.5 मीटर से अधिक है तो 14 दिन में ही हटेगा, ठीक है भाई, स्पान ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा उसमें टेंशन डेवलप होने के चांस हैं ताज़ा ताज़ा हटाने पर। फिर इसके बाद आती है धरनों व मेहराबों या डाटो जो हमारे आर्च होते हैं, ठीक है, पुराने ज़माने में बनते थे, अब तो आर्च उतना बन नहीं रहे हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पे जो क्या करना है आप लोगों को, अगर वह जो है धरनों या मेहराबों या डाटों के टेके हटाना, तो पटरा तो यहाँ आपने हटा लिया, पहले ही हो गया, ये टेक हट रहे हैं इसमें केवल, तो 6 मीटर पार्ट तक है अगर, तो ये 14 दिन तक, और अगर 6 मीटर से ज़्यादा है तो 21 दिन तक, तो ये सब सारी बातें हैं। तो आइए जो है इस तरह देख लीजिए आप लोग कि जो है ये पहला हो गया हमारा 16 से 24 घंटा, दूसरा हो गया 3 दिन, तीसरा हो गया हमारा 7 दिन, चौथा हो गया हमारा 7 दिन, इसके बाद पांचवा हो गया 14 दिन, छठा हो गया 14 दिन, सातवां हो गया 21 दिन, ये सब सारी बातें हैं, इकट्ठा करके आप नोट करिए, बार बार पूछा जाता है, इसको खूब समझिए। तो बस आज ये छोटा ही टॉपिक था, बस आज इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में आपका हमने सोचा सीमेंट शुरू करा जाएगा, क्योंकि एक सीमेंट अच्छा टॉपिक है, वो आपके बिल्डिंग मटेरियल को भी कवर करेगा और सीटी को भी कवर करेगा, तो कंबाइंड टॉपिक है, खूब पूछा जाता है सवाल सीमेंट से, एक सवाल तो आना आता है, चाहे वो टेस्ट को लेकर पूछ ले, चाहे उसके कंपोनेंट को लेकर पूछ ले, चाहे उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से लेकर पूछ ले, तो आता ही रहता है। तो बस आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे,
अच्छा, कुछ हमारे भाई जो है कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि सर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का बताएं, तो कोई बात नहीं, हम यार जल्दी आपको आपको जो है उपलब्ध करवा देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलता रहेगा और बाकी जो लेक्चर तो चल ही रहा है, इसको आप देखते रहिए, थोड़ा सा यार सहयोग भी करते रहिए कि वीडियो शेयर वेयर भी कर दीजिए, कमेंट जरूर करें। आज मैंने जो वीडियो डाला था उस पर जो है आप क्या कहते हैं बेसिक बातों का जो सीटी का था, तो उस पर मैंने देखा कई लोगों ने कमेंट किया है, अच्छा सुझाव दिया, सुझाव के लिए आप आमंत्रित हैं, मैं स्वागत करता हूँ। आज इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।